Rana, 12th B, Air Defense Team, for paper 9L, Manik Shah. Gentlemen, may I once again request you to applaud for the best marching contingent as they have shown their. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हम तो अच्छे हैं, आशा करते हैं आप भी अच्छे हों। और आज हम पहुँचे हैं स्कूल बच्चों के, क्योंकि आज है एनुअल फंक्शन और ये बच्चे अपने ग्राउंड में सब तैयार हो गए हैं परेड का। और आरुष ने भी आज परेड में भाग लिया है। उसका ये ब्लू कलर की सामने जो दिख रही है ना, पीछे ब्लू कलर दिख रहा है, उसमें आरुष है। इतनी दूर बैठे थे, मतलब ग्राउंड में बहुत दूर थे, तो मतलब कम दिखाई दे रहा था। और जब हम पहुंचे तो इतने सीट घिर चुकी थी, हम पीछे थे, तो पीछे से तो भाई ऐसे ही बनेगा। ये मैं दिखा दूंगी सर्कल करके, यहाँ पे है आरुष की टीम। तो आप ऐसे ही इंजॉय करो, पार्टिसिपेट। बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत मेहनत की है बच्चों ने, सभी बच्चों ने। थोड़ा दूर दिखेगा पर आप ऐसे ही इंजॉय करना। कहाँ है आलू, तो ये दिखे ये ना, यही है ना, हाँ यही है, ये रहा गया, है दिख गया ना, चश्मा तो ना लगा रखा, यही है, यही रहा जा रहा ना वाला, छोटा सा है, देखते हाँ दिख गया। रेड वाली है ना, हाँ जीत गई, जीत गई। गिर गया की रेस हो रही है। इतना थोड़ा देखने के बाद में थोड़ा हम बैठ गए हैं, आराम कर लिए, क्योंकि कई घंटों का काम है यहाँ पे बैठने का। तो फिर दिखाते हैं आपको, चलो। अब यहाँ पे योगा टीम की तैयारी, और एक जो पूरे बच्चे ग्राउंड में डांस करते हैं ना, एक डांस होता, मुझे नाम तो याद आ नहीं रहा, जिसमें जुम्बा डांस बोलते हैं शायद उसे, वो वाला डांस चलेगा। और ये योगा वाले बच्चे अपनी मैट बिछाने जा रहे हैं यहाँ पर, और क्योंकि बहुत बड़ा ग्राउंड है तो कम दूरी बना रख। और वो वाला डांस ख़त्म हो गया। अब ये जो लास्ट में डांस आया था ना, ये लड़कियों का आया था, बहुत सुंदर लड़कियां लग रही थी। बच्चे ये जो राजस्थानी पोशाक पहन रखी थी उन्होंने, जैसे गरबा में पहनते हैं ना, उस तरीके से उनका डांस चलेगा। तो यहाँ इतनी दूर से देख रहे थे ना, तो कुछ मतलब साफ नहीं दिखाई दे रहा। और यहाँ आर्मी वाले बंदे अपना सब बच्चों का डांस देखते हैं, क्योंकि ये बच्चे मतलब इनके बच्चे भी होंगे ना यहाँ पे, तो सब अपने बच्चों का डांस देखने आए हैं। एम्बुलेंस की गाड़ी भी आई है, देखो। ये फैसिलिटी बहुत अच्छी मिलती है, मतलब कुछ भी काम हो, मतलब आर्मी वाले सब जगह तैनात रहेंगे, बेस्ट काम है। तो ये था आज का प्रोग्राम। जो बच्चियां लास्ट में डांस कर रही हैं गरबा वाला, उसके बाद में चलेगा इनाम प्रतियोगिता। जो बच्चे मतलब जीते हैं, जिनकी टीम जीती है,
जिन जो रेस में जीते हैं तो उन्हें इनाम मिलेगा। और तो एंजॉय करो। और कुछ वीडियो में बना भी नहीं पाई थी क्योंकि एक तो दिखाई नहीं दे रहा था दूर से, जो जो मुझे थोड़ा ठीक लगा तो वो मैंने बना ली थी। बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जिसमें मतलब बन नहीं पाई थी दूरी की वजह से। और ये अब है ना आरुष की टीम जो है ना वो जीत गई, फर्स्ट प्राइज मिला उसे। तो ये टीम जा रही है जो पीछे है ब्लू वाली, ये अपना प्राइज लेने के लिए। इन्हें बहुत बड़ी ट्रॉफी मिली है पूरी टीम को। तो भाई बच्चों ने इतनी मेहनत करी है तो कुछ तो मिलना ही चाहिए ना। और बाकी इनकी जो पार्टी वार्टी है ना वो इनके सर बाद में देंगे बोले। और कई दिनों से लग रहे थे ये भाई मेहनत करने के लिए, कई दिन से हाथ पैर भी दुखने लग जाते हैं। परेड का तो पता है ना, फौज वालों को तो ज़्यादातर सबको पता है कि परेड कितनी हार्ड होती है। हाथ भी दुखने लगे थे बच्चों के। तो ये थी आरुष की टीम जो जीती है, ये ट्रॉफी मिली है, ये उनके सर हैं, बच्चे हैं और ये है आरुष। तो कॉन्ग्रेचुलेशन आरुष, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अब जा रहे हैं हम आरुष को लेके घर। और वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।